हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पोको एक्स टू में अलार्म कैसे सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टूल्स में चले जाना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लॉक पर। जैसे हम क्लॉक पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ ये सब दिखाई देगा। तो यहाँ से हम अलार्म का टाइम सेट कर लेते हैं, जैसे कि 5 बजे और यहाँ पर 5 बज के जैसे कि 5 मिनट का मैंने अलार्म सेट कर लिया और इसे AM पर सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर रिंगटोन सेलेक्ट करेंगे, अलार्म की रिंगटोन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट रिंगटोन लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल अलार्म, या फिर आप अगर और भी रिंगटोन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मोर रिंगटोन्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मोर रिंगटोन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अलार्म रिंगटोन्स भी हैं। और यहाँ पर अगर आप अपने मेमोरी कार्ड या SD कार्ड या फिर अपने म्यूज़िक प्लेयर से कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम जो भी चाहते हैं म्यूज़िक उसे यहां पर सेट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये रिंगटोन सेट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पर रिपीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वंस डेली मंडे टू फ्राइडे एंड कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वंस पर क्लिक करेंगे तो ये एक दिन के लिए ही सेट होगा। अगर आप डेली पर क्लिक करेंगे तो डेली और मंडे टू फ्राइडे पर मंडे टू फ्राइडे ही ये अलार्म बजेगा और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अगर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से डे सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर टिक है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर क्लिक कर देना है और अलार्म सेट हो गया। और देख सकते हैं ऊपर भी आइकन आ गया। तो दोस्तों, यही था सिंपल सा तरीका पोको X2 में अलार्म सेट करने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। थैंक्स फ्रेंड्स।